नमस्कार। ऑप्शंस क्या है, अब हमें इस बारे में हमारी स्पष्ट समझ है। चलिए हम इस वीडियो में ऑप्शंस की दुनिया से जुड़े विभिन्न शब्दों को डीकोड करते हैं। बेहतर समझ पाने के लिए हम अपने उदाहरण को जारी रखेंगे जो हमारे पिछले वीडियो में था, क्या ऑप्शंस फ्यूचर से बेहतर हैं। इस वीडियो में हमने यह मान लिया था कि हम एक स्टॉक पर बुलिश हैं। स्टॉक उस समय 670 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। हम 50 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम का भुगतान करके 750 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। यह कॉन्ट्रैक्ट एक महीने के बाद मैच्योर होगा, इसलिए अब इसमें बहुत सारी टर्म्स जुड़ी हुई हैं। क्या यह नहीं है, अब चलिए हम उन्हें एक एक करके समझते हैं। एक निश्चित पूर्व निर्धारित तारीख पर एक निश्चित प्राइस पर एक स्टॉक खरीदने का अधिकार कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है। जिस व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है उसे कॉल ऑप्शन बायर या होल्डर के रूप में जाना जाता है। जिस व्यक्ति को पूर्व निर्धारित तारीख पर निश्चित प्राइस पर स्टॉक बेचने की बाध्यता होती है उसे कॉल ऑप्शन सेलर या राइटर के रूप में जाना जाता है। पूर्व निर्धारित निश्चित प्राइस को स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस के रूप में जाना जाता है, जबकि वह प्राइस जिस पर स्टॉक प्राइस मार्केट में टाइम के अलग अलग पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है उसे स्पॉट प्राइस के रूप में जाना जाता है। तो हमारे उदाहरण में 670 रुपये स्पॉट प्राइस है और 750 रुपये एक्सरसाइज प्राइस है। स्टॉक खरीदने के अधिकार का आनंद लेने के लिए ऑप्शन बायर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते समय ऑप्शन सेलर को एक छोटे अमाउंट का भुगतान करता है। इसे ऑप्शन के प्रीमियम के रूप में जाना जाता है। टाइम अर्थात एक महीना, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसे टाइम ऑफ मैच्योरिटी कहा जाता है। इसी तरह एक पुट ऑप्शन पर पूर्व निर्धारित तारीख पर पूर्व निर्धारित प्राइस पर एसेट को बेचने का अधिकार है, इसलिए पुट ऑप्शन के सेलर को स्ट्राइक प्राइस पर एसेट खरीदने की बाध्यता होती है और उसे ऐसा करने के लिए प्रीमियम भी प्राप्त होता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सभी ऑप्शन बायर प्रीमियम का भुगतान करते हैं और ऑप्शन सेलर प्रीमियम प्राप्त करते हैं। ऑप्शन के संबंध में एक और अवधारणा इसके मनीनेस और इंट्रिंसिक वैल्यू है। यह मूल रूप से हमें एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का इसके स्पॉट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस के साथ रिलेशनशिप के बारे में बताता है। यह एक वर्गीकरण क्राइटेरिया है जो एक ट्रेडर कितना पैसा कमाएगा इसके आधार पर प्रत्येक ऑप्शन की स्ट्राइक को वर्गीकृत करता है। अगर वह अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को इस विशेष क्षण में एक्सरसाइज करेगा, यह मूल रूप से हमें एक ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बताता है। एक ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू वह धन है जिसे ऑप्शन बायर यह मानते हुए कॉन्ट्रैक्ट से बनाएगा कि उसे अब उस ऑप्शन का उपयोग करने का अधिकार है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और कभी भी शून्य से नीचे नहीं जा सकती है। मनीनेस के आधार पर तीन व्यापक वर्गीकरण हैं, वो हैं इन द मनी या ITM, एट द मनी या ATM, आउट ऑफ द मनी या OTM। इन टर्म्स के बारे में ITM, ATM और OTM पर बनाए गए हमारे अलग अलग वीडियो में चर्चा की गई है, इसलिए इसके साथ हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित बेसिक टर्मिनोलॉजी को समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Such representations are not indicative of future results.